इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है थैंक्स टू गवर्नमेंट जो 5G रोल आउट और डिजिटल कनेक्टिविटी को स्ट्रांगली पुश कर रहे हैं। रीसेंट यूनियन बजट 2024-25 में गवर्नमेंट ने 1.29 लाख करोड़ अलोकेट किया है टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स के लिए। साथ ही फाइबर ब्रॉडबैंड की भी हेवी डिमांड है एज वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन एजुकेशन पॉपुलर होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का फ्लैगशिप भारत नेट प्रोजेक्ट भी अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहा है जिसमें 2025 तक 6 लाख विलेजेस को फाइबर से कनेक्ट करने का प्लान है। सब कुछ मिला के ये इनिशिएटिव्स पूरे देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में नए इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव कर रहे हैं। और इसी सेक्टर की एक कंपनी तेजस नेटवर्क्स का स्टॉक एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले। नमस्ते नमस्ते, मुझे पता है पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल और इसीलिए हम इससे दूर भागते, लेकिन अब नहीं। मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रांग करें। तेजस नेटवर्क्स एक लीडिंग प्रोवाइडर है हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स का फॉर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यूटिलिटीज, डिफेंस और एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए। कंपनी के दो मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं। फर्स्ट वायरलेस बिजनेस, तेजस को कॉम्प्रिहेंसिव पोर्टफोलियो 4G एंड 5G रेडियो एक्सेस नेटवर्क रैन प्रोडक्ट्स का, जिसमें मैक्रो सेल्स, स्मॉल सेल्स और मैसिव मेमो रेडियोज इंक्लूडेड है। कंपनी ने ऑलरेडी BSNL के पैन इंडिया 4G नेटवर्क रोल आउट के 27,000 साइट्स के लिए इक्विपमेंट सप्लाई की है। तेजस ने 4G रेडियोस के लिए एडिशनल ग्लोबल बैंड्स जैसे 1800 मेगाहर्ट्ज़, 850 मेगाहर्ट्ज़, 2500 मेगाहर्ट्ज़ में भी प्रोडक्शन रिलीजेस की है। ये तेजस को वाइडर कस्टमर बेस कैटर करने में हेल्प करेगा बोथ इंडिया एंड ओवरसीज में। सेकेंड वायरलाइन बिजनेस, वायरलाइन साइड पे कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक डील जीता है एक Tier 2 ऑपरेटर के साथ। BSNL के मान नेटवर्क का इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग भी अच्छी तरह प्रोग्रेस कर रहा है जो इंडिया में लार्जेस्ट IP/MPLS राउटर डिप्लॉयमेंट से एक है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी रॉबस्ट था जो 7091 करोड़ के अराउंड था Q1 के एंड में। डोमेस्टिक ऑर्डर 6831 करोड़ था जबकि इंटरनेशनल ऑर्डर 260 करोड़ के अराउंड था। कुछ की ऑर्डर्स जो कंपनी ने इस पीरियड में विन की है, एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट एक Tier 2 ऑपरेटर से US में नेटवर्क मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक ब्रॉडबैंड रोल आउट डील एक ऑपरेटर के साथ साउथ ईस्ट एशिया में, BSNL को ऑनगोइंग सप्लाईज फॉर देयर पैन इंडिया 4G नेटवर्क एक्सपांशन के लिए। तेजस अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सिग्निफिकेंट स्केल अप कर पाया है राइजिंग डिमांड को केटर करने के लिए, स्पेशली अपने वायरलेस रैन प्रोडक्ट्स के लिए। इसके इन्वेंट्री लेवल्स 3853 करोड़ तक बढ़ गए एज प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है। तेजस नेटवर्क्स वेल पोजिशनड है कैपिटलाइज करने के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी पैन इंडिया टेलीकॉम मार्केट में जो 5G रोल आउट और फाइबर ब्रॉडबैंड एक्सपांशन से ड्रिवन है। इंडिया का 5G सब्सक्राइबर बेस 2027 तक 500 मिलियन से ज़्यादा होगी ऐसा एक्सपेक्टेड है, ड्रिवन बाय अफोर्डेबल हैंडसेट्स और अट्रैक्टिव डेटा प्लान्स। ये लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट का डिमांड करेगा 5G रोल आउट एक्सेस नेटवर्क्स का टेलीकॉम्स के तरफ से। तेजस अपने इंडिजीनियसली डेवलप्ड 4G और 5G रैन पोर्टफोलियो के साथ ये अपॉर्चुनिटी का सिग्निफिकेंट शेयर ग्रैब करने के लिए वेल प्लेस्ड है। कंपनी ऑलरेडी मेजर ऑपरेटर्स जैसे BSNL, Jio और Airtel के साथ फाइबर नेटवर्क रोल आउट्स पे काम कर रही है। एक और की ग्रोथ ड्राइवर तेजस के लिए है ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स इंडिया में। इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 1300% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी में प्रमोटर्स, FII, म्यूचुअल फंड सबकी डिसेंट होल्डिंग है विच इज़ अ गुड साइन। Q1 FY25 में कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग 8.3x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट की है टोटल रेवेन्यू में जो 1563 करोड़ थी। ये ग्रोथ मोस्टली इंडिया मार्केट से आई थी, स्पेशली BSNL और 4G एक्सपांशन से। कंपनी का सेल्स तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है बट कभी ये प्रॉफिटेबल है तो कभी लॉस मेकिंग। रीसेंट इसने प्रॉफिटेबल नोट पे क्लोज किया है। ये अभी अभी लार्ज कैप में आई है, अब तक ये मिड कैप कंपनी थी। इसका मार्केट कैप 21,000 करोड़ है। ओवरऑल फाइनेंशियल्स इनके पुअर है।
और ये करंटली ओवर वैल्यूड है एज मीडियन पी इज 72 वेयर एज करंट पी इज 140। स्टॉक में फिलहाल कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है और इंडिकेटर्स भी मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। आपके क्या व्यूज है तेजस नेटवर्क पर? आर यू होल्डिंग इट? डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स। मेक श्योर आपके एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी सजेशंस या फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।